एक तरफ हमने जो है चार्जिंग लाइन लगाई है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने जो है NRV लगाई है। कंडेंसर के दोनों मुंह हमने बंद कर दिए हैं और इसके अंदर अभी हमने 40 PSI का प्रेशर होल्ड किया हुआ है, जो कि एक हमने गैस से चार्ज किया है 40 PSI का। ये अभी हमारा इनलेट पाइप है जो कि कंडेंसर के एक तरफ मुंह पर हमने कपलर लगा के कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे कंडेंसर यूनिट जो है चेक होने जा रही है। ये सिंगल डोर गोदरेज का 200 लीटर रेफ्रिजरेटर है और दूसरी साइड हमने जो है इसका ये NRV वाला पॉइंट लगा दिया है। और ये हमारे पास अभी R134A का सिलेंडर है जो कि हमने इसके अंदर प्रेशर डाला है। सिंपल प्रोसेस है। आप भी किसी तरह का फ्रिज का लीकेज, आप गैस, आपके पास कोई तरह की गैस अवेलेबल हो 40-50 PSI का, आप गैस डाल के उसके अंदर होल्ड करके आप लीकेज चेक कर सकते हैं, या फिर आप नाइट्रोजन से भी कोई भी लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप अप्लाई कीजिए, आपके फ्रिज में मॉइस्चर नहीं होगा।